हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गाइस फाइन एट होम। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गर्मियों के मौसम में हमें कुछ ठंडा पीने का बहुत मन करता है। तो चलिए, इसी गर्मी को भगाने के लिए आज मैं आप सबके साथ कोल्ड कोको की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो कोल्ड कोको सूरत में बहुत ही फेमस है, तो एकदम बाजार जैसा कोल्ड कोको हम घर पर कैसे बनाएंगे ये आज देखेंगे हम इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लोर, चीनी, कोको पाउडर, चॉकलेट्स, 500 ml दूध और वेनिला आइसक्रीम। सबसे पहले हम बर्तन में दूध डालेंगे और उसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करेंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक ये दूध गर्म हो जाए तब तक हम कोको पाउडर की स्लरी रेडी करेंगे। इसके लिए हम ये कोको पाउडर, कॉर्नफ्लोर और दूध तीनों को एक बाउल में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ अभी कॉर्नफ्लोर, 2 tablespoons जितना कॉर्नफ्लोर ऐड किया है मैंने, और 3 or 4 tablespoons जितना कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, कोई भी लम्स भी नहीं है इसमें, अच्छे से मिक्स हो चुका है। और हमने ये जो दूध गर्म होने के लिए रखा है उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये हमने थोड़ा सा ऐड किया और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। इसको कंटिन्यूसली हमें मिक्स करते रहना है ताकि ये जो दूध है वो नीचे चिपक ना जाए। ये देखिए, हम और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ये कैडबरी जो डेरी मिल्क चॉकलेट्स हैं वो ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने एक जो पूरी डेरी मिल्क है वो ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की वजह से अगर कोई लम्प्स आए हैं तो वो निकल जाए। छानने के बाद ये एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया कलर भी आया है इसका और कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है। और अब हम इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए, एकदम ठंडा हो गया है और अब हम इसे ग्लास में डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे वेनिला आइसक्रीम। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये स्किप कर सकते हैं। और लास्ट में हमने ये जो चॉकलेट क्रश किया है वो डालेंगे। ये देखिए, कोल्ड कोको एकदम रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।